हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्लैशिंग विद सुनील। तो यार, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। और बेल बटन यार ज़रूर दबाएं सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो यार चलिए बात कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की न्यू लीग सिस्टम के बारे में, कि क्लैश ऑफ क्लैंस ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं अपने लीग्स में। तो यार मेरे पास एक अपने जो मेरा एक दोस्त है वो यार कैलिफोर्निया से है, तो यार वहाँ एक फ़ोटो वायरल हो रही है, तो यार उससे पता चला है कि क्लैश ऑफ क्लैंस की जो लीग सिस्टम है वो चेंज होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट सिस्टम क्या है आज जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस में क्या होता है। तो यार अगर आप अपनी लीग पर नज़र डालते हैं, माई लीग ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से अगर लीग्स देखते हैं, तो अभी सिस्टम है यार 2000 प्लस पे क्रिस्टल है, मास्टर 2600 प्लस पे और चैम्पियन 3200 और टाइटन 4100। तो यार इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं क्लैश ऑफ क्लैंस ने। तो अब मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिसमें कि जो चेंजेस हैं उनके बारे में दिखेगा। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जो चैम्पियन लीग है उसकी ट्रॉफीज़ पहले जहाँ आप देख सकते थे 3200 थी, और यार यहाँ पे 3500 है सॉरी। और यार आप जो टाइटन की है वो देख सकते हैं, ये है 4400। और अगर लीजेंड्स में जाने हैं तो यार पहले होता था 500 क्रॉस करते ही, 5000 क्रॉस करते ही आप लीजेंड्स में आ जाते थे, पर यार अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको 5200 क्रॉस करने पड़ेंगे तभी आप लीजेंड्स में आ पाएंगे। तो यार ये पूरा जो लीग सिस्टम है, ये पहले आपको क्या करना पड़ता था, चैम्पियन के बाद 300-300 ट्रॉफीज़ करके बढ़ानी पड़ती थी, पर अब ये चेंज कर दिया है मास्टर्स के बाद। मतलब यार अब चैम्पियन में भी पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। अब आपको बता देता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस ने ऐसा क्यों किया है। तो यार क्लैश ऑफ क्लैंस ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यार जो हायर लीग्स जैसे टाइटन्स और लीजेंड्स में बंदे होते हैं, तो यार उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा क्लाउडिंग की प्रॉब्लम्स होती है यार, क्योंकि ज़्यादा लोग लीजेंड्स में और टाइटन्स में नहीं होते, तो यार वहाँ पर क्लाउडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, ज़्यादा लोग टाइटन और लीजेंड्स में पहुंच पाएंगे और यार क्लाउडिंग कम हो पाएगी। तो यार ये पुशर्स के लिए अच्छी खुशखबरी है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्लैश ऑफ क्लैंस में एक नई लीग इंट्रोड्यूस होने वाली है यार। हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट अभी जो है वो लीजेंड लीग है, बट यार आपको जान के खुशी होगी लीजेंड से ऊपर भी एक लीग आ रही है यार। तो अभी तक उस लीग के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, जब मेरे पास डिटेल्स आ जाएंगी तो यार मैं वीडियो उस पर भी बनाऊँगा। तो यार अभी तो आप बस इस तरह सोच के रखिए, जो लीग्स में चेंज हो चुके हैं, चेंज होने वाले हैं, इसके अपडेट्स लीक हो गए हैं, और जो लीजेंड्स में है उसके बारे में भी यार लीजेंड से ऊपर भी एक लीग आने वाली है। तो दोस्तों ये थी यार आज की वीडियो, और आप देख सकते हैं जो मेरे हीरोज़ हैं यार ये 30-30 के हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सब कुछ मैक्स हो गया है, अब बस सजेस्टेड अपग्रेड्स में केवल टाउन हॉल शो कर रहा है। तो यार चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे सीओसी खेलते रहें, कीप क्लैशिंग विद सुनील। और भाई लोगों यार, अगर आप मैं एक बहुत चीज़ बोलना भूल गया, ये वीडियो यार अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं यार, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, ज़रूरी है कि यार लीग्स में चेंजेस हो गए हैं और एक नई लीग इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो यार ऐसे सीओसी खेलते रहें, कीप क्लैशिंग विद सुनील।